पेश है राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। खबर शुरू करने से पहले आप SBT न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, बूंदी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़कों पर बड़ी संख्या में भूखे प्यासे पैदल चल रहे श्रमिक परिवारों को अब राहत मिलेगी। जिला कांग्रेस कमेटी प्रवासी सहायता केंद्र के प्रभारी चमरेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को राजमार्ग और अन्य सड़कों पर पैदल चल रहे श्रमिक परिवारों को राहत देने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दे दिए हैं। इन शिविरों में भोजन व छाया की व्यवस्था की जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जयपुर में एक बार फिर मौसम बदल गया। गर्मी के बीच बारिश से राहत मिली। रविवार शाम को तेज अंधड़ के बाद कई इलाकों में बारिश हुई और शाम को तापमान में 12 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। सुबह से गर्मी का असर देखने को मिला और दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री पर पहुंच गया। पिछले 3 दिन से तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया जा रहा है। शाम को पश्चिमी विक्षोभ के कारण 50 किमी रफ्तार से अंधड़ जयपुर से निकला, हालांकि इससे जन हानि नहीं हुई। दोस्तों आपको ले चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। देश भर में शनिवार मध्य रात्रि तक चलाई गई 364 श्रमिक विशेष ट्रेनों में से 167 गुजरात से चलाई गई हैं, जिनमें 2,00,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया गया है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। गुजरात के मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने शनिवार मध्य रात्रि तक विभिन्न राज्यों से चलने वाली श्रमिक ट्रेनों से संबंधित आंकड़ों को साझा करते हुए कहा कि इनमें से लगभग 46% ट्रेनें गुजरात से चली है, जो एक राज्य के लिए सर्वाधिक है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि गुजरात से रवाना होने वाली ट्रेनों में अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में 2,00,000 प्रवासियों को पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि शनिवार आधी रात तक 45 श्रमिक विशेष ट्रेनें महाराष्ट्र से, 36 पंजाब से, 25 तेलंगाना से, 24 केरल से, 20 राजस्थान से, 14 कर्नाटक से और 11 हरियाणा से चली हैं। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और जाट नेता एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का यह कहते हुए बहिष्कार किया कि यह केवल औपचारिकता मात्र है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी संभागों के विधायकों और सांसदों के साथ रविवार को कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करने और सुझाव लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। इस बैठक में निर्दलीय विधायक भी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश में 1 सांसद और 3 विधायक हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर से कोरोना संकट के चलते आम आदमी की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से घर का मुखिया घर में ही कैद रहने पर मजबूर हो गया है। सांसद दिया कुमारी का कहना है कि ऐसी स्थिति में अपना व अपने परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया है। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से ऐसे परिवारों को 5,000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता करनी चाहिए। कोरोना संकट काल के बीच रविवार को मदर्स डे था। इस आपदा की घड़ी में समाज में तमाम ऐसी कोरोना वॉरियर्स हैं जो विपरीत परिस्थितियों में ड्यूटी कर देश के प्रति अपना फर्ज पूरा करने में जुटी हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वाड महिला पुलिस गश्त की ओर से कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में मातृत्व दिवस मनाया गया। नोडल अधिकारी एडिशनल DSP सुनीता मीना ने बताया कि जिन महिलाओं ने कर्फ्यू व लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में बच्चे को जन्म देकर मां बनने की अनुमति प्राप्त की है और कोरोना महामारी के चलते इस सुखद पल को परिवार व रिश्तेदारों के साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकी, उन सभी न्यू मॉम्स के लिए महिला पुलिस की ओर से मातृत्व दिवस मनाया गया। जैसलमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एक बार फिर से टिड्डियों के आने की संभावनाएं हैं। लाठी क्षेत्र में टिड्डी दल आने का सिलसिला जारी है। टिड्डी दलों की ओर से किसानों की फसलों व वनस्पतियों को नष्ट किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में टिड्डी दल आने से किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। रविवार को लाठी केरलिया गांव में टिड्डियों के नए दल देखने को मिले। हजारों की तादाद में टिड्डियों ने फसलों के साथ पेड़ पौधों पर वनस्पति पर अपना डेरा जमाया है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच रविवार को फिर एक बार से मौसम पलटा और जिलों में अंधड़ के साथ तेज बारिश और ओले गिरे। इस दौरान जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और इसी दौरान जिलों में 50 से 60 किमी रफ्तार से आंधी चली और इससे गर्मी में भी राहत मिली। मौसम विभाग ने चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भीलवाड़ा में 14 मई तक बारिश और ओले की चेतावनी दी है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर द्वारा संचालित राजकीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह, वृद्धाश्रम, शिशु गृह, बालिका गृहों में भी काफी सावधानी बरती जा रही है।
इन संचालित आवासीय गृहों में नवीन बालक बालिकाओं महिलाओं को प्रवेश देने से पूर्व बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक पृथक विभागीय आवासीय गृहों में क्वारंटाइन सेंटर का संचालन किया जा रहा है। इस बुलेटिन की अंतिम बड़ी खबर में अभी तक कोरोना के कहर से बचे हुए डूंगरपुर शहर में पहला मामला आया है। दो दिन पहले ही मुंबई से आया 28 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित थे। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उसके घर के आसपास के 1 किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और वहां पुलिस तैनात कर दी गई है। शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाला युवक 8 मई को अपनी कार से मुंबई से डूंगरपुर आया था और उसने प्रशासन से राजस्थान आने की इजाज़त ली थी और उसका और उसके 3 दोस्तों का पास बना था। चारों दोस्त कार से गुजरात होते हुए राजस्थान पहुंचे। ये रतनपुरा बॉर्डर से डूंगरपुर बस स्टैंड पहुंचे। इस युवक के साथ आए 3 दोस्तों को सलूम्बर जाना था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।